आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला राजा पहला अध्याय वचन 1-10। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इसराइली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषेक नामक एक शूनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। तब हग्गीत का पुत्र अदोनियाह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनायाह, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनियाह का साथ न दिया। अदोनियाह ने जोहलेत नामक पत्थर के पास, जो एन रोगेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनायाह और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया।